चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनानी की हाल ही में रिलीज हुई बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया परचम लहरा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि दिशा पटनानी और टाइगर श्रॉफ की बागी 2 दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बताते चले कि यह फिल्म करीब 3600 स्क्रीन पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया और रिलीज होते ही इसके कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखा गया। आपको बताते चले कि फिल्म ने अभी तक 115 करोड़ का कारोबार कर चुका है, यानी एक हफ्ते में फिल्म ने 115 करोड़ का कारोबार कर इस साल के सेकंड नंबर पोजीशन हासिल कर चुका है। जी हां, आपको बता दें कि फर्स्ट वीकेंड में पद्मावत ने 166 करोड़ हासिल किया था, तो वहीं दूसरे वीकेंड में पद्मावत की भारी गिरावट आई थी। अब बागी 2 ने एक हफ्ते में 112 करोड़ हासिल करके बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। आपको बताते चले कि अजय देवगन की रेड भी फर्स्ट वीकेंड में मात्र 65 करोड़ का ही बिजनेस कर पाया था, तो वहीं अक्षय कुमार की पैडमैन भी करीब 62 करोड़ का ही कारोबार फर्स्ट वीकेंड पे किया था। यानी बागी 2 अब कमाई को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि यह फिल्म दूसरे हफ्ते के अंत में करीब करीब 150 करोड़ का कारोबार आराम से कर लेगी। सोशल मीडिया पर भी टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनानी की इस फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दर्शक अभी भी टाइगर के एक्शन को बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं।